आगे बढ़ लेते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। जयपुर से आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। देखिए, अंतिम चरण में पहुंची है आयकर छापेमारी। आज जयपुर और दिल्ली में हो रही 17 ठिकानों पर छापेमारी, और देखिए कुछ शोरूम से जब्त रिकॉर्ड के साथ जीकेजे संचालकों के आवास पर पहुंचे हैं अधिकारी। शनिवार देर रात तक कार्रवाई समाप्त होने की यहाँ पे उम्मीद भी नजर आ रही है। जयपुर में वैशाली नगर, एमआई रोड और जेकेजे ज्वेलर्स समूह के भाइयों के आवास पर भी कार्रवाई के जो केंद्र बिंदु है वो है। ऐसे में अधिकारी वहां पर भी पहुंचे हैं। सीकर रोड के विजय बाड़ी स्थित जोशी बंधु के आवास पर भी सक्रियता अधिकारियों की बड़ी है। विनय जोशी और विकास जोशी का आवास है विजय बाड़ी में। इसके अलावा छापेमारी में अभी तक नकद बिक्री राशि हुई है 425 करोड़। इस राशि में और भी वृद्धि हो सकती है, ऐसी भी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियों से बड़े खुलासे की उम्मीद है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के द्वारा ये छापेमारी कार्रवाई जारी है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हुए। विमल जी, देखिए आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर जो 425 करोड़ का आंकड़ा है वो लग रहा है कि उसमें और भी वृद्धि हो पाएगी, और भी वृद्धि होने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। विस्तार से जानकारी दीजिए इंदु जी। जो जानकारी है वो यही है कि जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है वो रेड अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर अभी जो 425 करोड़ रुपए का जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा और आगे भी बढ़ सकता है। इसका कारण ये है कि अभी भी जो सर्वर, जो ज्वेलर्स समूह के सर्वर पर जो आंकड़े मिले हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा एक काम जो हवाला से लेन देन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनका विश्लेषण है। इसके अलावा जो ब्याज पे लेन देन किए जाने की जो कच्ची पर्चियां आयकर अधिकारियों के हाथ लगी है उसका विश्लेषण बाकी है। इस आधार पर ये आराम से माना जा सकता है कि करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास ये आंकड़ा पहुंच सकता है। हालांकि इसके बारे में अधिकारी की ओर से कुछ नहीं बताया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है वो 425 करोड़ रुपए के केस में लेन देन के डॉक्यूमेंट सीज किए जाने के संबंध में जानकारी मिली है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और जहां तक कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई इस समय वैशाली नगर, एमआई रोड और जो जेकेजे समूह के ग्रुप के जो संचालक भाई है इनके आवास पर केंद्रित हो चुकी है। इसके अलावा सिक्कर रोड पर विजयवाड़ी में जो जोशी समूह के जो जोशी बंधु हैं मिस्टर विनय जोशी और विकास जोशी, इनके आवास पर कार्रवाई अभी केंद्रित हो चुकी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये कार्रवाई अब अंतिम चरण में है और ये कार्रवाई आज समाप्त हो सकती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विमल जी। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।